तो जैसा कि 2021 का अब IPL मैच शुरू होने जा रहा है दोस्तों, वैसे में अगर आप सोच रहे हैं कि 2021 में जो मेरा फेवरेट टीम है, जो मेरा फेवरेट खिलाड़ी है, उसके स्टिकर्स को हम अपने व्हाट्सएप में किस तरह से ऐड करें और कहां से ऐड करें, कैसे ऐड करें, अगर आप सोच रहे हैं, इस वीडियो को आप पूरा पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने व्हाट्सएप में इंडियन क्रिकेटर प्लस में आपका जो बेस्ट टीम है IPL में, उसके स्टिकर्स को आप किस तरह से अपने व्हाट्सएप में ऐड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए हुए हम आपको लिए चलते हैं हम अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहां पर आपको सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा एप्लीकेशन है जिसका नाम है इंडियन क्रिकेटर स्टिकर फॉर व्हाट्सएप। और इस एप्लीकेशन का लिंक हम आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं दोस्तों, वहाँ से जाकर आप इस एप्लीकेशन को पहले तो आप डाउनलोड कर लीजिए। और एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया दोस्तों, भरोसा रखिए, कभी भी हम आपको कोई फेक एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताते हैं या आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो भरोसा रखिए। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, जब इस एप्लीकेशन को आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको इंतज़ार कर लेना है। और फाइनली जो इसका इंटरफेस है दोस्तों, कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर में आपको इंडियन क्रिकेटर मिल जाएंगे और नीचे में आप देख सकते हैं चेन्नई टीम है, दिल्ली टीम है और पंजाब टीम है, कोलकाता टीम है, मुंबई टीम है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपके जो फेवरेट टीम है उनके स्टिकर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब चलिए, मैं आपको किसी एक स्टिकर को हम अपने व्हाट्सएप में हम आपको ऐड करके दिखाते हैं और नीचे में भी आपको बहुत सारे स्टिकर्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि आपके फेवरेट खिलाड़ी के हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें धोनी है, कोहली है, रोहित है, सुरेश रैना है। तो जिस स्टिकर्स को आप अपने व्हाट्सएप में ऐड करना चाहते हैं दोस्तों, इसके दाएं साइड में आपको देखिए एक प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, नीचे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा डबल व्हाट्सएप आ चुका है, क्योंकि मैं अपने स्मार्टफोन में डबल व्हाट्सएप को यूज करता हूँ। तो चलिए, यहाँ पर हम फर्स्ट वाले व्हाट्सएप में इस स्टिकर को ऐड करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए, वन के ऊपर हम टैप करते हैं और टैप करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हम ऐड के ऊपर टैप कर देते हैं और फाइनली दोस्तों, यह स्टिकर हमारे व्हाट्सएप में जाकर ऐड हो चुका है। चलिए, हम इसे कट करते हैं और एक स्टिकर को ऐड कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर कोलकाता टीम को ही ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्लिक किए, फिर से मैं यहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक किए और फिर से ऐड के ऊपर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों, इसे हम कट करते हैं और कट करने के बाद सीधे हम आपको लिए चलते हैं हम अपने व्हाट्सएप वन में। तो चलिए, यहाँ से हम अपने व्हाट्सएप वन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों, हम अपने जो मेरा सेकेंड वाला व्हाट्सएप है उसके चैट सेक्शन में आ जाते हैं। तो चलिए, यहाँ से देख लेते हैं किधर गया। हाँ, यहाँ पर है। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, स्माइली के आइकन के ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अभी भी वहाँ पर मैं स्टिकर ऐड किया था, वो सभी के सभी स्टिकर यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, आप अपने फेवरेट टीम के जो फेवरेट टीम के खिलाड़ी हैं उनके स्टिकर को आप अपने व्हाट्सएप में ऐड कर सकते हैं।